सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज वेलकम बैक टू माय व्लॉग, ये कहना भूल गए। तो आज हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ से इटालियन स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, जो कि हमें मिला है जहाँ मैं स्कूल पढ़ने जाती हूँ। ये देखिए यहाँ बर्लिनो लिखा है, तो इनकी तरफ से हमें ये मिला है कि आप आएँ। ये है 8 और 9 जून तक। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं तो ओबियसली इटालियन स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कभी गई नहीं हूँ। लेट्स देखते हैं क्या है। मेरी टीचर्स एंड बाकी स्टूडेंट्स कोई ना कोई तो आ ही रहा है, क्योंकि उन्होंने मैसेज किए हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं। आप सब किधर हो? लेट्स सी। तो उसके बाद हम लोग इंटर हुए, और इंटर होने के बाद मैंने उसको बोला कि मेरा नाम ऑलरेडी रजिस्टर था, क्योंकि हम स्कूल की तरफ से गए थे तो फ्री एंट्री थी। बाकी जिन जो लोग स्कूल की तरफ से नहीं थे उन्होंने अपने फ्री करना था 5 यूरो। तो फिर यहाँ पर ये स्टैंप लगा के दे दिया जहाँ पर लिखा होता है ट्रू इटालियन। फिर मुझे मेरी टीचर मिली है, ये मेरी टीचर, हम लोगों ने एज अ मेमोरी बनाई हुई है। उसके बाद काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा था, बिल्कुल इटालियन वाइब्स आ रही थी। हर जगह इटालियन ऑथेंटिक इन लोगों के फूड्स थे, और ऑब्वियसली पिज़्ज़ा ना हो इटालियन का ये हो नहीं सकता, सबसे ज़्यादा फेमस। और ये मैंने इटालियन आइसक्रीम का ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, पिस्ताशियो एंड मैंगो वाला फ्लेवर था। एंड देन मैंने इटालियन फ्रेशली पिज़्ज़ा खाया जो है मार्गरिटा पिज़्ज़ा, तो काफ़ी अच्छा था, बहुत फ्रेश बना के दिया। और काफ़ी यहाँ लाइन लगी थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनके स्ट्रीट फूड थे, तो बस जस्ट खा रहे थे, चिल कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और मेरे साथ कुछ ना कुछ फ्रेंड्स मिल रही थी, कुछ कुछ आ रही थी, मतलब उन सबको मैं रस्ते में मिल ही जा रही थी। तो यहाँ पर ये एक कॉन्सर्ट लगाया हुआ था अपना, कोई ना कोई यहाँ पर सॉन्ग और डांस वगैरह चल रहा था, तो लोग खा रहे थे, पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। हर जगह कुछ अलग ही वाइब्स चल रही थी, हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, और हर तरीके की अपनी अपनी चॉइस थी सबकी। तो काफ़ी कुछ देख के अच्छा लग रहा था, सभी मगन हुए थे। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट फेस्टिवल इटालियन की, कैसा आया था तो देख के काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा लगा उसका। Yeah.